तो गाइस लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से फैंस इस वीक के स्मैकडाउन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड ऑलरेडी WWE ने बहुत सारे मैचेस अभी से ही कर दिए ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच LWO वर्सेस एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो के बीच। सो जैसा कि सैंटोस एस्कोबार की फ्यूड हमें LWO के साथ तो चलते हुए दिखी रही है, जिसकी वजह से ये मैच हमें बनते हुए दिखा। एंड ज्यादा चांसेस यहाँ पर एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो के जीतने के ही रहेंगे, बिकॉज ये रिटर्न के बाद उनका पहला मैच है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है कैमरून ग्राइंड वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच। एंड यहाँ पर WWE किसी को भी जिता सकती है। इसके बाद नेक्स्ट एक काफी बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, वो है बियंका बेलेयर वर्सेस बेली के बीच। सो इनकी हिस्ट्री तो रह चुकी है, दोनों ही जीतना चाहते हैं रॉयल रंबल मैच, जिसकी वजह से ये मैच हमें बनते हुए दिखा। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बेली हमें इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिख सकती है। तो अगर इस मैच का हमें रिजल्ट निकलते हुए दिखता है तो हो सकता है बेली की हमें जीत देखने को मिल जाए डैमेज कंट्रोल की मदद से, नहीं तो ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच हो चुका है ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के पे-पर-व्यू में, बिकॉज केविन ओवेंस ने जीत लिया है टूर्नामेंट। और लास्ट वीक तो उन्होंने लोगन पॉल को एक पंच मारकर नॉकआउट भी कर दिया, तो एक्सपेक्टेड है कि अगर इस वीक के स्मैकडाउन में लोगन पॉल आते हैं देन वो हमें अपना बदला लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं केविन ओवेंस से। और अगर लोगन पॉल नहीं आते तो मे भी हो सकता है केविन ओवेंस हमें एक प्रोमो कट करते हुए दिख जाए लोगन पॉल पर। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रिटर्न देखने को मिलता है AOP का, एंड वो और कैरियन क्रॉस हमें मिलकर अटैक करते हुए दिखते हैं हर्ट बिजनेस 2.0 यानी कि बॉबी लेस्ली एंड स्ट्रेट प्रॉफिट्स पर। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि स्मैकडाउन के बाद बॉबी लेस्ली ने बोला है कि अब उनका टर्न है, यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें बॉबी लेस्ली की टीम बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखने वाली है AOP एंड कैरियन क्रॉस से। सो अगेन इस वीक के स्मैकडाउन में भी आप सब इन दोनों टीमों के बीच ब्रॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोनों ही टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कौन भारी पड़ते हुए दिखती है, बिकॉज इस बार बॉबी लेस्ली की टीम पूरी तरह से रेडी है कैरियन क्रॉस के टीम के लिए। और अब फाइनली बात कर ली जाए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। देन जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल रहा था नंबर वन कंटेंडर के लिए, जिस मैच में रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, एंड उन्होंने आकर तीनों सुपरस्टार्स पर किया अटैक, जिसकी वजह से निक एल्डिस ने रोमन रेंस का एक फैटल फोर वे मैच बुक कर दिया रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, यानी कि तीनों के अगेंस्ट रोमन रेंस को डिफेंड करनी पड़ेगी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब जब से निक एल्डिस ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं किया था तब से तो इनके पंगे चल ही रहे थे, बट लास्ट वीक के स्मैकडाउन के बाद ये चीज और ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि स्मैकडाउन के बाद मैंने आप सबको रोमन रेंस का रिएक्शन दिखाया था कि वो कितने ज्यादा एंग्री थे निक एल्डिस पर। बट गाइस ऐसा नहीं है कि निक एल्डिस डर चुके, क्योंकि निक एल्डिस ने स्मैकडाउन के बाद भी जाते जाते रोमन रेंस को बोला चेकमेट, साथ ही साथ वो जब WWE के दी बम शो में आए देन उन्होंने वहां पर बोल दिया कि वो नहीं डरते हैं रोमन रेंस से। और उन्हें एग्जांपल भी दिया गया था एडम पियर्स का कि एडम पियर्स पर भी अटैक किया था ब्लड लाइन पे तो तुम पर भी हो सकता है अटैक, लेकिन एल्डिस ने कहा मुझे इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि गाइस अब रोमन रेंस से ओपनली इशू ले लिया है निक एल्डिस ने। और जब रोमन रेंस गुस्से में है तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें ब्लड लाइन निक एल्डिस पर भी अटैक करने की ट्राई करते हुए दिख सकती है। वो कर पाती है या फिर नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मे भी हो सकता है कि जब निक एल्डिस पर हमें ब्लड लाइन अटैक करने के लिए जाते हुए दिखे तभी वहां पर AJ स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन एंड LA नाइट आते हुए दिखे और वो आकर अटैक करे ब्लड लाइन पर, यानी कि अपने लास्ट वीक के अटैक का बदला ले। अब रैंडी ऑर्टन से तो RKO पढ़ ही चुका है निक एल्डिस को, एक्सपेक्टेड है कि अब ब्लड लाइन भी अपना हमें हाथ साफ करते हुए दिख सकती है निक एल्डिस पर। बट क्या वो इस वीक ही करती है या फिर आगे चलकर कभी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज रोमन रेंस भी स्मैकडाउन में रहने वाले हैं, निक एल्डिस भी स्मैकडाउन में रहने वाले, तो इनके पंगे लंबे समय तक चलने वाले हैं, बिकॉज रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में पहले कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था लेकिन अब आ चुके स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस। बट हाँ सबको बता दो रोमन रेंस को अभी तक WWE ने इस स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं किया, यानी कि मे भी हो सकता है वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन हाँ उनकी स्टोरी लाइन हमें डेफिनेटली चलते हुए दिखने वाली, क्योंकि बाकी तीनों सुपरस्टार्स रहने वाले स्मैकडाउन में मौजूद जो कि उनके अपोनेंट है रॉयल रंबल में, और वो हमें सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो पर करते हुए दिख सकते हैं अटैक। लेकिन हाँ अगर रोमन रेंस आते इस वीक के स्मैकडाउन में तो डेफिनेटली से वो एंड ब्लड लाइन हमें निक एल्डिस पर अटैक करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है स्मैकडाउन का रियल चीफ कौन है, निक एल्डिस या फिर रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।
गाइज लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से फैंस इस वीक के स्मैकडाउन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड ऑलरेडी WWE ने बहुत सारे मैचेस अभी से ही कर दिए ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच LWO वर्सेस एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो के बीच। तो जैसा कि सैंटोस एस्कोबार की फ्यूड हमें LWO के साथ तो चलते हुए दिखी रही है, जिसकी वजह से ये मैच हमें बनते हुए दिखा। एंड ज्यादा चांसेस यहाँ पर एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरिलो के जीतने के ही रहेंगे, बिकॉज ये रिटर्न के बाद उनका पहला मैच है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है कैमरून ग्राइम्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच। एंड यहाँ पर WWE किसी को भी जिता सकती है। इसके बाद नेक्स्ट एक काफी बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, वो है बियंका बेलेयर वर्सेस बेली के बीच। सो इनकी हिस्ट्री तो रह चुकी है, दोनों ही जीतना चाहते हैं रॉयल रंबल मैच, जिसकी वजह से ये मैच हमें बनते हुए दिखा। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बेली हमें इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिख सकती है। तो अगर इस मैच का हमें रिजल्ट निकलते हुए दिखता है तो हो सकता है बेली की हमें जीत देखने को मिल जाए डैमेज कंट्रोल की मदद से, नहीं तो ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच हो चुका है ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के पे-पर-व्यू में, बिकॉज केविन ओवेंस ने जीत लिया है टूर्नामेंट। और लास्ट वीक तो उन्होंने लोगन पॉल को एक पंच मारकर नॉकआउट भी कर दिया, तो एक्सपेक्टेड है कि अगर इस वीक के स्मैकडाउन में लोगन पॉल आते हैं देन वो हमें अपना बदला लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं केविन ओवेंस से। और अगर लोगन पॉल नहीं आते हैं तो मे भी हो सकता है केविन ओवेंस हमें एक प्रोमो कट करते हुए दिख जाए लोगन पॉल पर। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रिटर्न देखने को मिलता है AOP का, एंड वो और कैरियन क्रॉस हमें मिलकर अटैक करते हुए दिखते हैं हर्ट बिजनेस 2.0 यानी कि बॉबी लेस्ली एंड स्ट्रेट प्रॉफिट्स पर। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि स्मैकडाउन के बाद बॉबी लेस्ली ने बोला है कि अब उनका टर्न है, यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें बॉबी लेस्ली की टीम बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखने वाली है AOP एंड कैरियन क्रॉस से। सो अगेन इस वीक के स्मैकडाउन में भी आप सब इन दोनों टीमों के बीच ब्रॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोनों ही टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कौन भारी पड़ते हुए दिखती है, बिकॉज इस बार बॉबी लेस्ली की टीम पूरी तरह से रेडी है कैरियन क्रॉस के टीम के लिए। और अब फाइनली बात कर ली जाए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल रहा था नंबर वन कंटेंडर के लिए, जिस मैच में रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, एंड उन्होंने आकर तीनों सुपरस्टार्स पर किया अटैक, जिसकी वजह से निक एल्डिस ने रोमन रेंस का एक फैटल फोर वे मैच बुक कर दिया रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, यानी कि तीनों के अगेंस्ट रोमन रेंस को डिफेंड करनी पड़ेगी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब जब से निक एल्डिस ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं किया था तब से तो इनके पंगे चल ही रहे थे, बट लास्ट वीक के स्मैकडाउन के बाद ये चीज और ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि स्मैकडाउन के बाद मैंने आप सबको रोमन रेंस का रिएक्शन दिखाया था कि वो कितने ज्यादा एंग्री थे निक एल्डिस पर। बट गाइस ऐसा नहीं है कि निक एल्डिस डर चुके, क्योंकि निक एल्डिस ने स्मैकडाउन के बाद भी जाते जाते रोमन रेंस को बोला चेकमेट, साथ ही साथ वो जब WWE के दी बम शो में आए देन उन्होंने वहां पर बोल दिया कि वो नहीं डरते हैं रोमन रेंस से। और उन्हें एग्जांपल भी दिया गया था एडम पियर्स का कि एडम पियर्स पर भी अटैक किया था ब्लड लाइन पे, तो तुम पर भी हो सकता है अटैक, लेकिन एल्डिस ने कहा मुझे इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि गाइस अब रोमन रेंस से ओपनली इशू ले लिया है निक एल्डिस ने। और जब रोमन रेंस गुस्से में है तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें ब्लड लाइन निक एल्डिस पर भी अटैक करने की ट्राई करते हुए दिख सकती है। वो कर पाती है या फिर नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मे भी हो सकता है कि जब निक एल्डिस पर हमें ब्लड लाइन अटैक करने के लिए जाते हुए दिखे तभी वहां पर AJ स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन एंड LA नाइट आते हुए दिखे और वो आकर अटैक करे ब्लड लाइन पर, यानी कि अपने लास्ट वीक के अटैक का बदला ले। अब रैंडी ऑर्टन से तो RKO पढ़ ही चुका है निक एल्डिस को, एक्सपेक्टेड है कि अब ब्लड लाइन भी अपना हमें हाथ साफ करते हुए दिख सकती है निक एल्डिस पर। बट क्या वो इस वीक ही करती है या फिर आगे चलकर कभी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज रोमन रेंस भी स्मैकडाउन में रहने वाले हैं, निक एल्डिस भी स्मैकडाउन में रहने वाले, तो इनके पंगे लंबे समय तक चलने वाले हैं, बिकॉज रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में पहले कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था लेकिन अब आ चुके स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस। बट हां सबको बता दो रोमन रेंस को अभी तक WWE ने इस स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं किया, यानी कि मे भी हो सकता वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन हां उनकी स्टोरी लाइन हमें डेफिनेटली चलते हुए दिखने वाली, क्योंकि बाकी तीनों सुपरस्टार्स रहने वाले स्मैकडाउन में मौजूद जो कि उनके अपोनेंट है रॉयल रंबल में, और वो हमें सोलो सिकुआ एंड जिमी उसो पर करते हुए दिख सकते हैं अटैक। लेकिन हाँ अगर रोमन रेंस आते इस वीक के स्मैकडाउन में तो डेफिनेटली से वो एंड ब्लड लाइन हमें निक एल्डिस पर अटैक करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है स्मैकडाउन का रियल चीफ कौन है, निक एल्डिस या फिर रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।